शैम्पू, डिटर्जेंट और केमिकल मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाने वाली भिंड जिले की लहार की गिराज डेयरी और गोपाल चिलिंग सेंटर पर एसटीएफ की दबिश के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसटीएफ द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों को सील करने के बाद फूड सेफ्टी विभाग प्रदेश भर में सिंथेटिक दूध की आशंका के चलते डेयरी और चिलिंग सेंटर की जांच कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी मंगलवार को शहर के डेयरी फार्म पर जांच के लिए टीम पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सुबह इंदौर में डेयरी फार्म पर सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम शहर की 10 से ज्यादा डेयरी फार्म पर पहुंची और वहां पर दूध के सैंपल लिए गए। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर डेयरी फार्म पर छापेमार कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान टीम ने देवनारायण मिल्क, महावीर डेयरी, मदनी मिल्क और एरोड्रम क्षेत्र की कृष्णायन डेयरी सहित शहर की अन्य डेयरियों पर पहुंचकर दूध के सैंपल लिए। जांच के दौरान कुछ डेयरियों पर टीमों को अनियमितताएं भी मिली, जिस पर संचालकों को नोटिस दिए गए। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव और फूड अधिकारी मनीष स्वामी की टीम ने महावीर डेयरी से 510 किलो पनीर जब्त किया है। हमारे शायद से निर्देश मिले हैं कि दूध और दूध के प्रोडक्ट को लेकर अभियान चल रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय और नियंत्रक खाद्य और प्रशासन महोदय दोनों के निर्देश हैं कि इस तरह का एक अभियान चलाए। तो शनिवार से हमने अभी तक 15-16 दुकानों पर निरीक्षण किया है। उसमें 17-18 सैंपल हमने कलेक्ट कर चुके हैं और जो जांच है गोपाल राज्य पत्र द्वारा भी। सर आज भी कुछ बड़ी मात्रा में पनीर जब्त किया गया है, कितना पनीर था? लगभग 5-10 किलो पनीर जो है हमने आज एमआरएन चौराहे से जब्त किया है और उसको जब्त करके रख दिया है। उसका सैंपल जांच के लिए गोपाल। सर रोजाना कितनी दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है? रोजाना एवरेज आएगा तो 4 से 5 दुकानों पर लगभग।